मेरा आज फिर एक टॉस की स्लाइट कंट्रोवर्सी तो नहीं मैं कहूंगा, थोड़ी सी एम्बिग्विटी फिर हुई। डेविड बून उन्होंने पहले इंडिकेट किया राशिद खान को फॉर विनिंग द टॉस, और फिर उन्होंने रोहित शर्मा को कहा कि आप जीत गए, आप इंडिया बैटर। इसको कैसे देखा आपने आज? गुड कंड्यूसिव पिच, अच्छी पिच थी, बैटिंग अच्छी की ना, क्योंकि 160 की पिच के ऊपर 182 रन किए हो, तो टॉस जीत के सही बैटिंग की है, क्योंकि अफगानिस्तान अगर 160 करता है ना, इनकी बॉलिंग ऐसी है ये पीछे पड़ जाते हैं। सूर्य कुमार यादव ने आज भी एक बेहतरीन इनिंग खेली, लाइक पता नहीं वो एक 360 डिग्री प्लेयर होता है, ये तो कोई 720 डिग्री प्लेयर है। ये तो नहीं होगा कि आईपीएल में उनका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाएगा, गलती हो गई, हो सकता है वो भी अभी नहीं कॉन्ट्रैक्ट तो मिल करें कि भाई हमसे गलती हो गई, तीन खिलाड़ी आउट हो गया यार, आपको आईपीएल के कॉन्ट्रैक्ट तो मिल गए। ऑब्वियसली हिंदुस्तान बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रहा है, अब हम क्या कह सकते हैं उनकी क्रिकेट के बारे में। अब बॉलिंग उनकी पूरी, बुमराह जैसा खतरनाक बॉलर, आई मीन हैरत की बात ये है कि चलें हमें दो तीन चार बॉलर लगती थी सेटल डाउन होने के लिए, स्विंग सीम समझने के लिए, ये तो पहले बॉल से ही आता है, इज राइट ऑन द मनी। जब ये बॉलिंग इतनी प्लेटफॉर्म इतना तगड़ा सेट कर देता है। जो सबसे बेहतर हैंडल किया है आज तक अफगानिस्तान को, वो इंडिया ने किया है, और हमें इंडिया ने हमेशा डोमिनेट किया, वो फॉर्मेट कोई भी हो। वन साइडेड मैच हमेशा की तरह एक मरतबा फिर अफगानिस्तान जो है इंडिया से हार गई, आज तक इंडिया से अफगानिस्तान कभी नहीं जीता है, क्या वजह है? प्रेशर में रहते हैं या वफादारियां हैं? लोग कहते हैं, लोग कहते हैं, मैंने इसीलिए कह दिया सर, मैंने इसीलिए ज्यादा बात नहीं बोली, मैंने लोग समझते हैं। मान लिया कि ये सारी बातें सच है पाकिस्तानियों की, मान लिया कि अफगानिस्तान की टीम जो है वो जानबूझकर हारती है हिंदुस्तान से, ये सब कुछ समझ लो ये हकीकत है, तुम क्यों हारते हो ये बताओ। ये डर खत्म कहां से हुआ है इनका? कौन गारंटी दे रहा है? ये कॉन्फिडेंस कहां से खरीद रहा है? कौन सा सप्लीमेंट खाते हैं कि ये छक्के हर जगह मारते हैं? अबे तुम्हारी ऐसी की तैसी सुपर रेट में, अगर तुमने सूर्या की नहीं देखने के लिए जिंदा हो तो लानत है, वो तो बहुत पहले से खेल रहा है उससे। ये तो पता लग गया कि इंडिया इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट टीम, इनके सामने मेरे ख्याल में मुझे नहीं लगता कोई टीम ठहर पाएगी, और बनता भी नहीं है यार, उनके पास बॉलिंग पूरी, बैटिंग पूरी, और बहुत ही बड़ा टैलेंट है, और टैलेंट इसलिए बड़ा है कि मैनेजमेंट उसकी बहुत अच्छी है। और आज तीन आउट होने के बाद भी गेम को ले गए 182 तक ले गए, और एक बड़ा स्कोर होता है उसके बाद ले जाते हैं। यार जब से अफगानिस्तान ने वर्ल्ड कप में पेला है पाकिस्तान को, तब से इनका ख्वाब है कि भारत की टीम कब छोटी टीम से हारे, इनकी ये जलन कमी नहीं हो रही, ये दुआ करते हैं हर वक्त कि भारत छोटी टीम से हारे फिर हम भारत को बेइज्जत करें, पर इनका सपना का सपना ही रह जाता है। अब भारत ने अफगानिस्तान को बड़ी आराम से 47 रन से हरा दिया, उसमें पाकिस्तानी मीडिया बोलने लग गई कि यार अफगानिस्तान सभी टीम को तो बड़ा टफ टाइम देती है, पर भारत के सामने कैसे भीगी बिल्ली बन जाती है, एक बार भी वर्ल्ड कप में हरा नहीं पाई अफगानिस्तान भारत को, इन झाइलों को कौन बताए कि तुम भी कौन सा जीते हो कभी, एक बार तुक्के में दो है किसमें जीत गए, वरना एक तरफा ही हारते हो हमेशा तुम, और अभी भी हार ही रहो तुम 120 रन का टारगेट ही चेस नहीं कर पाए, और अफगानिस्तान को बोल रहे हो कि ये वफादारी निभाते हैं भारत के साथ जानबूझ के हारते हैं। अबे वेस्ट इंडीज से भी तो हारे थे अभी बुरी तरह से अफगानिस्तान वाले, जब इनकी चीखें नहीं निकली, इनकी जलन ये है कि भारत कब छोटी टीम से हारे जाके हम फिर भारत को ट्रोल करें, इनकी जब तक रोटी गले से अंदर नहीं निकली जब तक भारत इस वर्ल्ड कप से बाहर नहीं होगा, देखते रहना पता नहीं कैसे कैसे बयान देते हैं, कभी बोलते हैं टॉस फिक्स करता है भारत, कभी बोलते हैं बैट्स फिक्स करता है भारत, अबे भाई इतना ही फिक्स करता तो भारत तो आईसीसी ट्रॉफी भारत के नाम ही होती है ना सारी, क्यों हार जाता है भारत सेमीफाइनल में और फाइनल में, ये लोग झाइल के झाइल ही रहेंगे हमेशा। चले देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया क्या कह रही है। मेरा आज फिर एक टॉस की स्लाइट कंट्रोवर्सी तो नहीं मैं कहूंगा, थोड़ी सी एम्बिग्विटी फिर हुई। डेविड बून उन्होंने पहले इंडिकेट किया राशिद खान को फॉर विनिंग द टॉस, और फिर उन्होंने रोहित शर्मा को कहा कि आप जीत गए, आप इंडिया बैटर। लेकिन मैंने कभी नीचे आने का काम नहीं किया। सूर्य कुमार यादव बेसिकली सूर्य कुमार यादव आज फॉर्म में लग रहा है, जो शॉट्स खेली है उन्होंने राशिद खान को स्पेशली, अच्छी बॉलिंग कर रहे, तीन विकेट लिए उन्होंने, लेकिन जब विकेट गिरी हुई थी तो वहां पे उन्होंने अटैक किया उनके ऊपर, यही खासियत है इसकी, पिकअप शॉट बहुत अच्छी थी, लंबा फॉरवर्ड आगे से बॉल को ले रहे थे, और आज के मैच को जो टर्न किया बैटिंग में तो यादव ने किया, बहुत अच्छी बैटिंग की है, चाहे फास्ट बॉलर को खेले या स्पिन को, स्पेशली इनके ऊपर था थोड़ा प्रेशर तो होगा, जब तीन आउट हो गए, मेन प्लेयर आउट हो गए, ऋषभ भी आउट हो गए, रोहित भी, विराट भी आउट हो गए, तो सारा प्रेशर इनके ऊपर आया, उन्होंने लिया, कबूल किया उसको, और आज का मैच मैं समझता हूँ, बाद में तो बहुत सारे प्लेयर्स आ जाते हैं, हार्दिक पांड्या भी आ गए, ये भी आ गए, वो भी आ गए, लेकिन मेन जो आज थे इस मैच के कल्प्रिट वो सूर्य कुमार यादव थे, जहाँ डेंजर होगा ना वहाँ पे ये रन करते हैं। इसको कैसे देखा आपने आज? गुड कंड्यूसिव पिच, अच्छी पिच थी, बैटिंग अच्छी की ना, क्योंकि 160 की पिच के ऊपर 182 रन किए, तो टॉस जीत के सही बैटिंग की है, क्योंकि अफगानिस्तान अगर 160 करता ना, इनकी बॉलिंग ऐसी है ये पीछे पड़ जाते हैं, और आज तीन आउट होने के बाद भी गेम को ले गए 182 तक ले गए, और एक बड़ा स्कोर होता है। उसने नेशनल टीम में अपनी सिलेक्शन होने का प्रूफ दिया है कि मैं भैया झाटू लीग के अंदर या कमर्शियल लीग में, पैसों वाली लीग में तो चलो हो सकता है मेरे से थोड़ा सा हो जाए, मगर जब मैं नेशन को प्राइड दूंगा तो ऐसा दूंगा, और जहां पर अफगानिस्तान के खिलाफ मार के दिखाए कोई छक्के, अबे इतने सारे बॉलर है उनके, देख लो कभी वो कुछ नहीं तो नूर को डाल लिया, खूबसूरत आदमी उन्होंने ड्रामा दिखाने के लिए, चलो एक बच्चा आएगा बॉल करेगा, ठीक है देख लो अंदाजा क्या हुआ, 150 160 जहां पर 10 ओवर में 80 रन है, इंडिया के कैसे बन गए ये,
जहां फजलुल्लाह फारूकी जो जिसका बॉल कोई नहीं खेल पा रहा, हाईएस्ट विकेट टेकर बना हुआ है, राशिद है उसके बाद सेकंड, अबे टॉप फाइव में तो तीन तो ये हमारे बैठे हैं सब बोली के अंदर। और अपने अपने हिसाब से विकेट थ्रो जरूर किए ऋषभ पंत ने और विराट कोहली ने, उड़ाते थे हार्दिक पांड्या का, स्काई को बोलते थे स्टैट पैटर्न है, छोटी टीमों के खिलाफ स्कोर करता है, बड़ी टीमों के खिलाफ स्कोर नहीं होता। अब नवीन फारूकी राशिद उमर सही अपना नूर नबी अगर इतने बॉलरों की मौजूदगी में कोई एक है हल्के है फारग है और वहां पे जहां विकेट धड़ाधड़ गिर रही थी विकेट पे जहां जरा सा इंडिया सेट होता था विकेट, थोड़ा सा सूर्य कुमार साहब उसका हाथ देख लेते, थोड़ा हार्दिक देख लेते, थोड़ा जडेजा देख लेते, थोड़ा पंत थोड़ा कोहली, तो ये 200 इस पिच पे हो जाता। मार्क माई वर्ड्स, दिस इज मोर देन 200 ऑन दीज कंडीशन, ये याद रखिएगा, ये वो कंडीशन नहीं है, ये 200 रन है। हालांकि बार्बाडोस मेरा ख्याल था पिच अच्छा बिहेव करेगी, बट पिच ने मजा नहीं आया। गावस्कर साहब ने भी यही कहा, शास्त्री ने भी कहा, रोहित शर्मा के अल्फाज बड़े इंपॉर्टेंट है, उसने कहा पता नहीं है कैसा बिहेव करेगी, बैटिंग करते हैं। इंडिया और अफगानिस्तान के मैच के हवाले से क्या कहेंगे आप, लेकिन अगर हम बात करते हैं इंडिया की तो उनके भी 8 खिलाड़ी जो है वो अफगानिस्तान की टीम ने आउट किए और इतनी यादव के अलावा किसी ने कोई ऐसी खास परफॉर्मेंस नहीं दी है। देखिए अगर आप इंडिया की आज परफॉर्मेंस देखेंगे तो वो परफॉर्मेंस कमांडिंग थी, इंडिया ने जो मैच खेला वो कमांडिंग अंदाज से खेला, गो के उनके टॉप ऑर्डर परफॉर्म नहीं कर रहे हैं इस वक्त, सबसे बड़ा कंसर्न उनका है ना, रोहित शर्मा से उस तरह परफॉर्म हो रहा है ना विराट कोहली से उस तरह परफॉर्म हो रहा है, और ये दोनों टॉप ऑर्डर में खेल रहे हैं, ये दोनों एक्सपीरियंस का निचोड़ है इस टीम में। ये तो अच्छी बात है कि सूर्या कुमार यादव ने आज एनएफ सेंचुरी स्कोर की, 28 गेंदों पर 53 रन बनाए, 32 किया हार्दिक पांड्या, ये सबसे क्रूशल पार्टनरशिप टीम की इनिंग की, कि जो इस एक रेस्पेक्टेबल टोटल तक ले गए 181/8, वरना ऐसा लग रहा था शायद इंडियन टीम 160 रन भी कर जाए तो बड़ा टास्क होगा। लेकिन अफगान बॉलर्स ने आखिर के अंदर जिस तरीके की बॉलिंग की, मैं खुद बड़ा सरप्राइज था कि जैसे जो उन्होंने बॉल चैनल्स पे किए थे, हमने देखा था शुरू के अंदर राशिद ने बॉलिंग की थी, फजल हक फारूकी ने बॉलिंग की थी, वो एंड में मुझे उनकी बॉलिंग वो काट नज़र नहीं आई, जिसकी वजह से 181 रन तक रन हो गया। और अब आज पहली मरतबा था कि राशिद खान ने इंडिया के खिलाफ कोई T20 की इंटरनेशनल विकेट हासिल किए, दुनिया का नंबर वन चैंपियन स्पिनर, उसने आज तक इंडिया का कोई खिलाड़ी आउट ही नहीं किया था, आज पहला मौका था कि जब उन्होंने 3 विकेटें हासिल की। अब ये तो नहीं होगा कि आईपीएल में उनका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाएगा, गलती हो गई, हो सकता है वो भी अभी नहीं कॉन्ट्रैक्ट तो मिल करें कि भाई हमसे गलती हो गई, 3 खिलाड़ी आउट हो गए यार आपके। आईपीएल के कॉन्ट्रैक्ट तो मिल गए, जो जिस तरह बॉडी लैंग्वेज थी कि वो जो बाप और बेटा और जो बात करते हैं तो बरखुरदार तो वो दिखाई दिए। देखिए हम बार बार कहते हैं कि हमने अफगान क्रिकेट को बनाया, लेकिन अफगान क्रिकेट अचानक जब वो इम्प्रूव होने लगे और उसके बाद इंडिया ने उन पर हाथ रखा तो वो बिल्कुल एक ऐसा जिन बोतल वाला जिन नहीं था, वो जो होता था कि एकदम से खोला तो वो अफगानिस्तान की टीम इस तरीके से निकली कि जो हुक्म मेरे आका। अब वो आज भी उनकी परफॉर्मेंस को अगर आप देखेंगे तो फिर मेरी तो समझ में नहीं आई कि जिस तरीके से गुरबाज बैटिंग के लिए आए थे, उनके टॉप ऑर्डर बैटिंग के लिए आए थे, वो पहली गेंद पे क्रीज से निकल के हिट कर रहे हैं, भाई ये कोई पिंडी की विकेट नहीं है या कोई चिन्ना स्वामी स्टेडियम बेंगलोर की पिच नहीं है, ये पिच फिर भी रिस्पेक्ट देने वाली पिच जरूर है। तो मैं थोड़ा सा अपने नाज़रीन को ये भी बताऊं कि 47 रन से इंडिया ने जो है वो नसीम भाई अफगानिस्तान को हरा दिया, 50 रन से हराता तो और शाबाशी मिलती, वैसे पूरे 50 रन से हारे हो नहीं, बस ये कि 47 तो हमारी वैसे भी मुल्क के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है 1947। हाँ तो उस लिहाज से, लेकिन हमारा उससे कोई इतना कंसर्न नहीं है अफगानिस्तान इंडिया के मैच में जो भी होगा, लेकिन बात यह है कि फेयर क्रिकेट होनी चाहिए, बात यह कि लोगों को मजा नहीं आता, हम अपनी टीम पे ब्लास्ट हो जाते हैं कि भाई ये कौन सी क्रिकेट खेली आपने, क्योंकि अफगानिस्तान टीम का अपना एक एग्रेशन है वो कि अभी बिल्कुल नई क्रिकेटिंग नेशन है, लेकिन जो एग्रेशन उनका और टीमों के खिलाफ दिखता है वो यहाँ पर नहीं दिखा। और इतना बड़ा बॉलर राशिद खान, नो डाउट अबाउट इट, एक बहुत जबरदस्त स्पिनर है, लेकिन आज तक वो विकेट ही नहीं ले पाए थे, आज गलती हो गई उनसे, और जो उसके अलावा आखिर में बॉडी लैंग्वेज थी वो बड़ी स्लो थी। हमारे लिए शायद अमेरिका के डॉलर इंपॉर्टेंट है, उनके लिए इंडिया का रुपया भी बहुत इंपॉर्टेंट।